हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ और एक नए अपडेट के साथ पेनियरबाई के नए एक अपडेट। और इस अपडेट जो आया है पेनियरबाई के तरफ से, इसी के कारण जितने भी पेनियरबाई का रिटेलर है परेशान है, क्योंकि हर किसी को केवाईसी करना पड़ेगा अब, क्योंकि येस बैंक सॉरी पेनियरबाई जो पहले चल रहा था वो येस बैंक से चल रहा था। अब येस बैंक को छोड़ के पेनियरबाई ने नया एक बैंक के साथ टाई अप किया है, वो है इंडसलैंड बैंक। और अब जब जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो इंडसलैंड बैंक से होगा। और उससे पहले बता दूँ, मैं हिंदी में इस वीडियो को बना रहा हूँ लेकिन मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, तो शायद अगर कुछ गलती होता है तो इसके लिए सॉरी। और पेनियरबाई जब हमने आज सुबह को ओपन किया तो अपडेट का ऑप्शन आया है, और अब पहले इसको अपडेट कर लेते हैं। मेरा पेनियरबाई ऐप्स जो अपडेट दिया है वो अपडेट कंप्लीट हो चुका है। अब प्रोसेस में क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ये फिलहाल इस वीडियो को हम एडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि सब रिटेलर अभी फंसे हुए हैं। कुछ ना कुछ रिटेलर के पास वॉलेट में कुछ ना कुछ पैसा जो है वो अटका हुआ है, ना मूव टू बैंक कर पा रहा है, नया मनी ट्रांसफ़र कर पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि केवाईसी पेंडिंग हर किसी को, हर कोई, हर एक रिटेलर का दिखा रहा है। क्योंकि पेनियरबाई ने बैंक जो है वो टाई अप जो है वो चेंज किया है और इंडसलैंड बैंक में वो अभी मूव किए हैं। पेनियरबाई का जो मोबाइल ऐप से मेरा वो खुल चुका है, और इसका जो जो होम पेज है, जो उसका जो लुक है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। और अब इसमें जो प्रॉब्लम हो वो केवाईसी का, अब हम इस पर इस डॉट तीन डॉट पर क्लिक करते हैं और अब इस नाम पर क्लिक करते हैं। सर्वर सुबह से थोड़ा आज प्रॉब्लम है सर्वर का। माय प्रोफाइल पर आने के बाद इसमें तीन ऑप्शन आएगा, प्रोफाइल, केवाईसी और बैंक। हमें केवाईसी पर क्लिक करना है और इस जगह हम पर देख पा रहे हैं ई केवाईसी स्टेटस एक्टिव है, लेकिन पीएनबी केवाईसी स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। इस पेंडिंग को एक्टिव कराना है। अब जो है पहले क्या होता था, इस पेंडिंग को एक्टिव कराने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर खुद रिटेलर के शॉप पे जाने के बाद अंगूठा देकर वो केवाईसी जो है वो कंप्लीट होता था। लेकिन इस सिचुएशन में कंपनी ने इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व किया है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का अंगूठा नहीं लगता है, सिर्फ बारकोड स्कैन करने पर ही केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर हर एक रिटेलर के पास एक ही टाइम पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि हर एक रिटेलर परेशान है अभी, उनके वॉलेट में कुछ ना कुछ पैसा जो है फंसा हुआ है, ना मूव टू बैंक ना मनी ट्रांसफर, कुछ ना कुछ कुछ भी नहीं कर पा रहा है। शायद कुछ कह तो अब इसमें जो मांग रहा है वो यहाँ पर पैन कार्ड का पिक्चर देना, हम पैन कार्ड इसमें डाल देते हैं। इस कैमरा को ओपन करना है और अलाउ करना है, और इसमें कैमरा का ऑप्शन आ चुका है, कैमरा को ओपन करते हैं और कैमरा खुल चुका है। हम पहले पैन कार्ड को ले लेते हैं, फोटो पैन कार्ड का, पैन कार्ड दे दिया है, अब सबमिट करते हैं। पैन कार्ड सबमिट करने के बाद एक और ऑप्शन आएगा, वो है गेट माय केवाईसी डन पर, उसमें क्लिक करना है और एक बारकोड खुलेगा। ये बारकोड खुलेगा, सर्वर थोड़ा हाँ, ये बारकोड खुल चुका है पोर्टल से, डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल से बारकोड, इस बारकोड को स्कैन करना है, उसके बाद दूसरा स्टेप में जाना है। तो चलिए हम डिस्ट्रीब्यूटर ऐप्स में जाते हैं पोर्टल पर। ये डिस्ट्रीब्यूटर से अब रिटेलर का जो बारकोड है वो स्कैन करना है। स्कैन हो चुका है, अब इसमें केवाईसी कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक करना है और आई एम रेडी में क्लिक करना है। अब ऊपर में जो है इसमें आधार कार्ड नंबर जो है वो देना है और दो फोटो खींचना है आधार कार्ड का, वो एक फ्रंट और बैक पेज का। तो आधार कार्ड नंबर देते हैं और उसके बाद फ़ोटो खींचते हैं। आधार कार्ड का जो फोटो है वो दे दिया है और नीचे में आना है, नीचे में कंप्लीट केवाईसी का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक करना है। और अब लास्ट जो है वो जो रिटेलर है उनका पिक्चर एक लेना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ऑटोमेटिकली वो सक्सेस हो जाएगा और वो आप निश्चित काम कर सकते हैं।